हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वत्सला वर्मा और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टमाटर का सूप। टमाटर का सूप काफ़ी हेल्दी और टेस्टी तो होता ही है, स्पेशली सर्दियों में। इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाएं और फ्लेवर भी पूरा रहे, जिससे आप इसको अपने घर पर बार बार बना सकें और हेल्दी खा सकें और टेस्टी भी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए 5 टमाटर और 1 गाजर, और अब टमाटर और गाजर को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप टेस्ट के लिए चाहे तो और कलर के लिए थोड़ा सा बीटरूट भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा बीटरूट का। उसके बाद इन सब्जियों को हम कुक करेंगे। तो बहुत लोग इनको कुक करते हैं ओपन पैन में, लेकिन हम इनको कुक करेंगे कुकर में, जिससे ये जल्दी कुक हो जाए और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, जिससे वेस्टेज भी ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ हमें चाहिए 5 से 6 कलियां गार्लिक की। आप चाहे अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा कटा हुआ। तो पहले हम कुकर में डालेंगे 1 टीस्पून बटर, और हम साथ साथ डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आप बटर की जगह चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे अदरक और गार्लिक। 1 से 2 मिनट तक हम गोल्डन होने तक इनको पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 काली मिर्च और 2 लौंग, और इनको भी फ्यू सेकेंड्स तक पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और गाजर। एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे 1 ग्लास और 1/4 ग्लास पानी। साथ साथ डाल देंगे 3/4 टीस्पून नमक। नमक को भी मिक्स कर लेंगे और लिड से कवर करके हम पहले 2 विसल्स तक इनको पकाएंगे, और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और अराउंड 10 मिनट तक इनको और पकाएं। तो 10 मिनट तक हमने इनको पका लिया था। उसके बाद पूरी विसल निकलने के बाद अब हम लिड खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छे से टमाटर और गाजर गल गई है। अब इनको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो टमाटर पूरे ठंडे हो गए हैं और अब हम इनको डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी बच गया है। इसको अभी हम फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज करेंगे। तो पहले टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं। तो टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया और अब नेक्स्ट स्टेप है इनको छानने का। तो ऐसे आप एक छलनी ले ले, छान लेंगे, जिससे कोई टमाटर का बीज या फिर छिलका ना आए। और ये जो पानी हमने बचाया था इसको भी साथ साथ डाल देंगे। तो आप अच्छे से पहले पूरा जूस निकाल लें, और आप इस सूप में चाहे तो डाल सकते हैं बड़ी इलायची के दाने भी, और साथ में तेज पत्ता अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। और अगर आप इसमें गार्लिक साबुत नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। जब हम सूप को कुक करेंगे उस टाइम पर आप जिंजर गार्लिक की जगह गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे टमाटर हमने छान लिए और अब हम इसको कुक करेंगे एक बार और। तो कढ़ाई या पैन में डाल दें सूप। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर है ये। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था तो अभी हम नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एक बार आप चेक करके चाहे तो नमक डाल सकते हैं। और साथ साथ डाल देंगे 1 टीस्पून चीनी। एक बार मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। उसके लिए आप ऐसे एक बोल में पहले 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें, और उसके बाद 1/4 ग्लास पानी, और मिक्स कर लें।
और अब डाल देंगे इस कॉर्नफ्लोर मिक्सचर को सूप में। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा थिक टेक्सचर अगर आप चाहते हैं सूप का तो ज़रूर इसको डालें। इसके डालने से जो टेक्सचर होता है सूप का वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। इसके डालने के बाद हम एक बार और मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम सूप को पका लेंगे। अब सूप अच्छे से पक चुका है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और लास्ट में फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। तो अराउंड 1 टेबलस्पून आप क्रीम डालते हैं यहाँ पे, फ्रेश क्रीम। तो सूप तो बन गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्रीमी और थिक, कितना अच्छा इसका टेक्सचर और कलर लग रहा है। और बिल्कुल बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ हमने इसको बनाया है। और अब हम साथ साथ इसके साथ सर्व करेंगे ब्रेड। यहाँ पर हमारे पास 3 स्लाइस ब्रेड के हैं, तो साइड से इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे ब्रेड को हमने पीसेस में कट कर लिया है और अब हम इनको सेक लेंगे। तो पहले पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, जिससे बटर जले ना, और उसके बाद दोनों साइड से इन पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। तो दोनों साइड से ब्रेड गोल्डन ब्राउन सिक गई है और अब हम इन पीसेस को निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। और सर्व करेंगे सूप। तो क्या आप भी सर्दियों में ज़्यादा सूप पीते हो, और कौन सा सूप आपको ज़्यादा पसंद है हमें लिखे कमेंट बॉक्स में। और ये सूप की रेसिपी आपको कैसी लगी शेयर करें अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए लाइक और शेयर। और अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज की नोटिफिकेशन आ सके। और लास्ट में थोड़ी सी और क्रीम डाल देंगे सर्व करने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।